तो यहाँ पर चीकू मेरा बच्चा लगा हुआ है, नानी घर का पूरा सफाई कर रहा है, एक एक चीज़ को क्लीन कर रहा है, पोछ रहा है। कारण ये है कि इसने मुझे बोला कि मम्मी तुम्हारा तो व्लॉगिंग चल नहीं रहा है, तुम भी सफाई करती हो बट चलता नहीं है, कोई सब्सक्राइबर आते नहीं है, तो एक काम करो मैं सफाई करता हूँ और तुम शूटिंग करो, और देखना तुम्हारा सब्सक्राइबर भी आएगा और लाइक्स कमेंट्स सब आने लगेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है इसका दिल रख लेते हैं। तो ये लगा पड़ा हुआ लेकिन काफ़ी अच्छे से इसने क्लीन किया। रात का समय था और हम लोग को कल सुबह यहाँ से, मतलब कल लंच आवर में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे लंच वंच करके अपने घर। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने काफ़ी दिन के बाद व्लॉग शूट किया है, ये पिछले वीक का व्लॉग है और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ और ये बन रहा है हमारे यहाँ मटन। मेरी मम्मी और पापा दोनों का मेज़रमेंट चलता है इसमें। तो 250 ग्राम प्याज है, 500 ग्राम मटन है और उसमें मम्मी डाल रही है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। तो यही मेज़रमेंट है हमारे हमारे यहाँ जब मटन बनता है तो दोनों को मिलजुल के अपना मेजरमेंट तैयार कर देते हैं। बहुत ही अच्छा ये बनता है मटन, आप लोग इस तरह से बना करके देखिएगा। इसमें मम्मी ने नमक डाला है स्वाद अनुसार, तो और इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो आगे देखते जाइए आप लोग, व्लॉग में बने रहिएगा। इसमें मम्मी ने डाला है अदरक का और लहसुन का पेस्ट, करीब 2 चम्मच होंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे कच्चा तेल दे करके, मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल नहीं दीजिएगा क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि ऑयल ये खुद भी रिलीज़ करता है ना मटन, इसीलिए। अब इसको हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको अच्छे से इसमें सारे में कोटिंग कर देंगे। उसके बाद हम लोग कुकर में डाल देंगे डायरेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि पानी भी रिलीज़ करता है, थोड़ा सा पानी देंगे और उसका ढक्कन लगा देंगे और करीब करीब 4 सीटी तक हम लोग पकने देंगे इसको। तो 4 सीटी लग जाने के बाद हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसमें जीरा और खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, ये सब डालेंगे और उसको तड़कने देंगे। इसके बाद हम लोग जो कुकर में जो अभी हम लोग 4 सीटी लगाया वो सारा इसमें डाल देंगे पानी सहित और इसको सुखाएंगे अच्छे से जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और ये जब तेल छोड़ने लगेगा तब हम लोग इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद हम लोग और भूनेंगे 5 मिनट और थोड़ा सा पानी दे करके उसके बाद हम लोग इसको तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे मम्मी डाल रही है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से भूनते रहेंगे भूनते रहेंगे। इसको काफ़ी देर तक भूनना होता है, करीब करीब इसमें लग जाता है 15 मिनट। ढक ढक के भूनिए अच्छे से जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे। तो यहाँ पे कभी मेरे मम्मी कभी मेरे पापा कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा बना था उस दिन। ऐसे तो हमेशा ही अच्छा बनता है लेकिन उस दिन बहुत ही अच्छा बना था। अब इसमें ये देखिए थोड़ा सा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे डाला 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसको फिर अच्छे से चलाएंगे। गरम मसाला 5 मिनट तक भुनना है अच्छे से। जब अच्छे से भुना जाएगा तो इसमें हम लोग पानी अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ से खाना, हम लोग ज़्यादातर राइस के साथ प्रेफर करते हैं तो हम लोग राइस ही इसके साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
तो पानी इसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और मैं तो जा रही हूँ इन्जॉय करने, अब ये काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस बना था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक सब ज़रूर से करें। और बहुत अच्छा बना। तो चलती हूँ अब मैं, मिलती हूँ अब आपसे दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।